नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में दर्शकों का हार्दिक स्वागत। चलिए रूबरू होते अब तक की तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जीने की राह इस आज के सुविचार से। लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद देखेंगे समाचार विस्तार से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। रेलवे स्टेशन के शौचालय का उपयोग करने पर रेल कर्मियों ने पार्टी के साथ हाथापाई की। कैंसल करायला आलो, माझं नाव विनोद भोसले आहे आणि मी बाथरूम ले गेल्यानंतर तिथे जो बाथरूम इंचार्ज आहे बुढा आहे त्याला मला विचारलं कुठं चाललं म्हणे म्हटलं बाथरूम नाही चाललं तर थोडं जाय म्हणे वापस आल्यानंतर तो म्हणे थुकू नको रे म्हणे मी जबकी बेसिंगले थुकाले गेलो त्याच्यानंतर त्याच्याजवळ आलेले दोन पोरं काय हो रे म्हणे तुला म्हटलं काय म्हणू राहिला तू तर त्यांनी मला जेव्हा मी बाहेर आलो त्यांनी ते दोघं आणि आणखी दोघं होते त्यांनी मला मारहाण केली। जेव्हा मी ही कंप्लेंट पोलीस स्टेशनला करायला गेलो रेल्वे सुरक्षा गार्डमध्ये तर त्यांनी म्हटलं शिटी कोतवालीला जा माझी कंप्लेंट घेतलेली आणि त्याच्यानंतर त्यांना मी जेव्हा म्हटलं माझे लोक जेव्हा जमले तेव्हा बाकीचे पोलीसवाले आले तर त्या माणसामुळं जानले माहित आहे का मला कोण मारलं त्या माणसाला पोलीस प्रोटेक्शन दिलं। इसके विरोध में उसके साथी पार्टियों ने शाम 7 बजे जाने वाली अमरावती मुंबई ट्रेन को 1 से 1.5 घंटा रोका। सभी पार्टी ट्रेन के सामने ठिया डाले बैठ गए। कुछ देर बाद रेल पुलिस ने मध्यस्थी कर पार्टियों की शिकायत सुनी एवं दोषी रेल कर्मचारियों के विरुद्ध में अपराध दर्ज कर ट्रेन को रवाना किया गया। न्यूज बुलेटिन में वक्त हो चला है कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक पश्चात फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। ब्रेक के पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। अब रूबरू होते कुछ अन्य खबरों से। शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग महाराष्ट्र राज्य एवं जिला क्रीडा अधिकारी कार्यालय की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में विभागीय क्रीडा संकुल में सभी अधिकारी एवं मंत्रियों ने किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के उपलक्ष्य में अमरावती शहर में अच्छा प्रतिसाद देखा गया। रोग मुक्ति एवं शरीर समृद्ध रखने के लिए योग आवश्यक है। शहर के विभागीय क्रीडा संकुल में शालेय शिक्षण विभाग, क्रीडा व युवक सेवा, जिला क्रीडा परिषद, पतंजलि योग, आर्ट ऑफ लिविंग इनके संयुक्त तत्वाज्ञान से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया था। योग में खासदार आनंदराव अडसूल, पालक मंत्री प्रवीण पोटे, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर कुमार गोयल, विभागीय आयुक्त राजूरकर, जिलाधिकारी किरण गित्ते सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने योग किया। दुनिया भर के 191 देशों में योग दिवस मनाया गया। इतना पीछे की तरफ झुक सकते हो अपनी क्षमता के अनुसार तरफ गर्दन मोड़ कर देखे अच्छे से मुस्कान हो श्वासों की गति को अपने आप पूर्ण विश्राम करो आज आंतरराष्ट्रीय योग दिवसानिमित्त मी सगळ्या लोकांना पहिल्यांदा शुभेच्छा देतो की या निमित्ताने आपली एक नवीन पहाट सुरुवात झालेली आहे।
की देशामध्ये अनेक जातीय अनेक धर्माचे लोक या विषयामधून एका ठिकाणी येतील आणि योग सुरुवात करतील. या योगाच्या मार्फत या देशामध्ये रोगपीडित सुद्धा होतील आणि आपण सगळे एक येऊन या नव्या भारताची सुरुवात करूया असं मला वाटतं. श्री श्री रविशंकर महाराजांच्या बरेच दिवसापासून यांच्या टचमध्ये आहे आणि योगाची माझी सुरुवात ही आजची पहिल्यांदा नाही आहे, पण रेग्युलरली न केल्यामुळं आज मला एक बरेच एक 7-8 दिवसानंतर परत योग आला आणि योगामुळे योग येऊन आज मी योग केला. योग केल्यानंतर प्रत्येकालाच, मलाच नाही तर प्रत्येकाला यामध्ये एक चांगला समृद्धी वाटू शकेल आणि एक चांगलं शरीरामध्ये सुद्धा परिवर्तन होऊ शकते. खऱ्या अर्थाने नरेंद्र मोदी या देशाचे प्रधानमंत्री यांना याचं श्रेय द्यावं लागेल. आज 20 संकल्प त्यांनी सोडलेले आहेत, तसा हा सुद्धा एक संकल्प ज्या योगाच्या माध्यमातून मनशांती, आरोग्य आणि एकात्मता ह्या अनेक गोष्टी साध्य होतात ह्याचं महत्व लक्षामध्ये घेऊन आणि आजच्या आंतरराष्ट्रीय योग दिवसाचा संधी घेऊन त्यांनी जो संकल्प सोडला तो देशभरामध्ये आज मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळतोय. पण आपल्या दृष्टीने अभिमान वाटण्यासारखी गोष्ट आहे, भर पावसामध्ये अनेक लोक अनेक ठिकाणून आली आणि अतिशय मनापासून बरोबर एक तास ह्या योग साधनेमध्ये त्यांनी योगदान दिलेलं आहे. ही अतिशय महत्वाची आणि अतिशय अभिमानाची गोष्ट आहे असं मला. उपलब्ध माहितीकेनुसार अमरावती नगरी का 1000 वर्षों का इतिहास है. इतिहास के सुनहरे पृष्ठों को तारीख वार संकलित करते सिटी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता अशोक भाई जोशी ने इसे पठनीय पुस्तक का स्वरूप दिया. इतिहासातील अमरावती दैनंदिनी नामक इस पुस्तक का विमोचन वैश्विक योग दिवस 21 जून को आयोजित किया गया. अपनी नगरी का इतिहास जानना हर शहरी का परम कर्तव्य है. जिस माटी की सुगंध अपने शरीर में रची बसी हो उसका गुण गौरव करना अपना कर्तव्य होता है. इसी भावना से अमरावती के इतिहास की दैनंदिनी अशोक भाई जोशी द्वारा संकलित की गई. इस पुस्तक का विमोचन दिनांक 21 जून वैश्विक योग दिवस पर आयोजित हुआ और आश्चर्य की बात तो ये रही कि अल्प समय में ही विमोचन पश्चात अनेक कॉपियां हाथों हाथ बिकी. उपरोक्त कार्यक्रम विश्व शांति मिशन अंतर्गत आयोजित हुआ जिसका मंच संचालन डॉक्टर गोविंद कासट द्वारा किया गया. पुस्तकाचं प्रकाशन झालं आहे, ज्यांच्या हातात पुस्तक आहे त्यांना ते निःशुल्क मिळालेलं आहे. आता यानंतर ज्यांना पुस्तक हवं. ईश्वर आराधना का एक कार्यक्रम स्थानीय खंडेलवाल नगर में रविवार को विश्व जागृति मिशन द्वारा आयोजित किया गया. इसमें भाविक गणों द्वारा भजनों का श्रवण लाभ तथा महाप्रसाद ग्रहण किया गया. भक्ति भाव पूर्वक ईश्वर की आराधना करना, अपने सद्गुरु का स्मरण करना हर हिंदू धर्मीय का परम कर्तव्य है. ईश्वर आराधना का एक कार्यक्रम स्थानीय खंडेलवाल नगर में दिनांक 21 को श्री सुधांशु महाराज भक्ति संगीत विश्व जागृति मिशन के तहत आयोजित हुआ जिसमें भाविक गणों द्वारा भारी मात्रा में उपस्थिति दर्शाई गई. मेरी पूजा करो स्वीकार. ये अपने का आपको गीता श्री सुधांशु महाराज के
संचालित विश्व जागृति मिशन मंडल अमरावती की ओर से आज योग दिवस के उपलक्ष में यहाँ आकोली क्षेत्र में महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। तिवसा तालुका में प्रशासन द्वारा किए गए कामों में त्रुटियां रहने से नागरिक बेहाल हो रहे हैं। घरों में पानी घुस जाने से लोगों का काफी नुकसान हुआ। तिवसा में प्रशासन द्वारा किए गए कामों में त्रुटियां रहने से नागरिक बेहाल हो रहे हैं। घरों में पानी घुस जाने से लाखों का नुकसान नागरिकों को सहन करना पड़ रहा है। खिलान झाली ही मोठी नाली आणि यल आणि दोन्ही रपट्याखाली बीएसएनएलचे मोठे मोठे रॉड आहे। रॉड असल्यामुळे पाणी पूर्ण चोकोप होते आणि मागच्या गेटमधून पाणी पूर्ण अंदर जाते। पाणी अंदर जर गेल्यामुळे पूर्ण गावाचं नुकसान, सोपा दिवाण पूर्ण नुकसान झालेलं आहे। जागतिक योग दिवस के उपलक्ष्य में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में वाटर योगा प्रस्तुत किया गया। देखिए किस तरह किया गया जल योग। जागतिक योग दिवस के उपलक्ष्य में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के जलतरण केंद्र में प्रशिक्षकों द्वारा पानी में योगा प्रस्तुत किया गया। पानी में किया गया यह योगा नागरिकों में अलग ही आकर्षण का केंद्र रहा। बड़ी संख्या में नागरिकों ने योगा का लुफ्त उठाया। दसवीं कक्षा में गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थियों का गुणगौरव समारोह माहेश्वरी भवन में संपन्न हुआ। माहेश्वरी पंचायत समिति द्वारा आयोजित स्वर्गीय सौ प्रभा देवी एवं स्वर्गीय श्री मोहनलाल जी डागा इनकी स्मृति में दसवीं कक्षा के प्रावीण्य प्राप्त छात्र एवं छात्राओं का सम्मान चिन्ह देकर सत्कार किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, पालक एवं सभी समाज बंधु उपस्थित थे। ताकि हमारी हिंदू संस्कृति कायम रहे। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। जैसे ये गुरु बाबा रामदेव ने हजारों वर्ष पूर्व ऋषियों ने लिखे योग को आज प्रचलित करकर दुनिया में 177 देशों में प्राइम मिनिस्टर द्वारा 21 जून योग दिवस घोषित किया, इस तरह आप भी उसी तरह लिखे गए उस गुण रहस्य को ढूंढ कर निकाले, क्योंकि यह हमारा खजाना है और अपना और समाज। महिलाएं अमरावती शहर में है कि जिनका आगे पीछे कोई नहीं, ऐसों को मदद करने का महेश्वरी पंचायत का निरंतर प्रयास रहता है और ये प्रयास हम अभी भी पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास में कुछ मर्यादा है। इसीलिए मैंने अनुरोध किया था कि भाई यहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा, अगर आप सक्षम है तो ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे अनुदान दीजिए। आपके एक एक पैसा यहाँ सत्मार्ग में लग रहा है और निश्चित हमारे समाज उत्थान के लिए उसका बहुत बड़ा योगदान हमको यहाँ पर मिलेगा। अमरावती जिले के समस्त शाखा प्रबंधकों के लिए खरीफ फसल ऋण प्रोत्साहन हेतु कार्यशाला ली गई। बचत भवन यहाँ पालक मंत्री प्रवीण पोटे इनके मार्गदर्शन में यहाँ कार्यशाला ली गई। जिले में सभी तरफ अच्छी खासी बारिश हुई, बुआई शुरू हो गई है। जिले के 2,21,948 खातेदारों को 1,16,95 करोड़ रुपए कर्ज देने का ध्येय सरकार का है। अभी तक 781 करोड़ रुपए का कर्ज बांटा जा चुका है। आगामी 30 जून तक 100% मतलब 1,695 करोड़ रुपए का कर्ज वाटप करके राज्य में बेहतर कामगिरी कर दिखाए, ऐसा आह्वान पालक मंत्री पोटे इन्होंने बचत भवन में बैठक में सभी बैंक के व्यवस्थापकों को कहा। 50 लाख सगळ्या बँकर्सची मीटिंग घेतली, त्यामध्ये मान्य कलेक्टर्स वगैरे आणि सगळे बँकर्सची लोक सगळे उपलब्ध होते। त्या मीटिंगमध्ये 360 कोटीचं
लोकांना कर्ज मिळालं होतं शेतकऱ्यांना. आजची सध्याची परिस्थिती जवळपास 800 कोटी रुपयाचं कर्ज वाटप झालेलं आहे. अजून 800 कोटीची वाटपाची गरज आहे. त्या दृष्टीने आपण आज अमरावतीमध्ये मीटिंग घेतली आणि सगळ्या बँकर्सला आपण विनंती केली की आपण लोकांनी बँकेला शेतकऱ्यांना कर्ज वाटलं पाहिजे. आणि शेतकऱ्यांना कर्ज वाटणं हे फार प्राथमिकता आहे, ज्यामध्ये माननीय आमचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांचं सुद्धा लक्ष आहे. हमारे कार्टून गुना के लिए व्यंग चित्रकारों ने आज की स्थिति को व्यंग बानों का निशाना बनाया है. जानते हैं आज का कार्टून कोना. न्यूज बुलेटिन में अब बारी है मौसम समाचार की. कैसा था, कैसा है और कैसा रहेगा मौसम, देखिए मौसम वार्ता में. तो दर्शकों अब देते हैं बुलेटिन को विराम. सिटी न्यूज के बारे में आप सभी के सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है. हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन 77 अमरावती और हमारा दूरभाष क्रमांक है 2570326. हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.citynews.net.in. ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज. नमस्कार.